ये अंग्रेज़ दे कब्जे दा वो जमाना सी जदों हिंदुस्तानिया दी तारीख जुल्म ते जबर नाल लिखी जा रही सी। कैर दी ये सन्नी रात च भी आज़ादी दे जुगनू अपनिया रावां लभ भी लेंदे सन। ये ओही जुगनू सन जिहड़े बाद च तारे बन जांदे ते आज़ादी दे मुजाहिदां दी मंजिल सुखली हो जांदी। आज़ादी दे आसमानी चमक दे इन्हां तारियां चों इक लैलपुर दे पिंड बंगा दा भगत सिंह भी सी। भगत नूं आज़ादी दी जोत अपने वालद किशन सिंह हुरां कोलों मिली जिहड़ी चाचे अजीत सिंह दी फिकर ते जदोजहद नाल अजिहा अलाओ बन गई कि हिंदुस्तान दी गुलामी दियां बेड़ियां पिघलन लग पईआं। जिथे तक भगत सिंह दी पुरखां दी गल है, भगत सिंह दे पुरख जिहड़े सन ओ लैलपुर दे इलाके दे वारस सन। बहुत सारिया महाराजा रणजीत सिंह तो यह परिवार जिहड़ा है ये लैलपुर दे विच आके बैठा होया सी, और इन्हां दे दादा जी जिहड़े सन ओ भी फ्रीडम फाइटर रहे ने अपने दौर दे तगड़े। उस तो बाद इन्हां दे पिता जी दे विच भी जिहड़े सन ओह भी अंग्रेज़ां विरुद्ध 1857 दी आज़ादी दे विच उन्हां ने अपना योगदान पाया, पर असल योगदान जिहड़ा सी ओह उन्हां दे चाचा जी सन, ओह लड़ रहे सन और उन्हां दी शौरी जिहड़ी ताकत सी ओह वेख चुके सन। 1857 तो बाद दी जिन्नी भी मूवमेंटा जिन्नियां भी तहरीकां उठियां सी उन्हां विच किसे ना किसे तौर दे उत्ते उन्हां दे चाचा अजीत सिंह हुरां दा जिहड़ा है ओह बहुत वड्डा हाथ सी। देखिए, एक गल तां इह है भी भगत सिंह खलाच पैदा नहीं होया, उसकी सोच दी एक तारीख, एक रीत, एक रवायत पहलां तों मौजूद सी। इह ओह ज़मीन सी जिहड़ी हिंदुस्तान दे विच अंग्रेज़ां ने सब तो आखिर च फतह कीती सी 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਡੀਥਰੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਿੰਧ ਵੀ 1847 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਦਲੇਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ भगत सिंह अपने वक्त तो अगे निकल गया वो ये कि बगावत तो लड़ाइया बाहरों आने वाले नाल अंदर आने वाले नाल तख्त ताज वास्ते होया कर दिया सी। भगत सिंह उन्होंने सूरमावां चों एक है जिन्हें इस असूल के उत्ते लड़ाई शुरू की, जिन्हें इस असूल से बगावत की कि इस जमीन पर इत्थे दे रहण वालियां दा हक है। भगत सिंह ने यह दावा नहीं किया कि मैनू हक है कि मैं इस जमीन का जो उत्ते राज करना है, उन्हें इत्थे दे रहण वालियां वास्ते। अच्छा, देखो जिस वेले भगत सिंह पैदा होया हजे गांधी जी भी वापस नहीं सी आए, 1908-1907 हजे तक गांधी जी भी नहीं सी आए, वो कितनी अगे की सोच होएगी। और ये पहला मौका सी नौबादियात की तारीख दे विच कालोनियां जिहड़ियां बनाईयां सी, भावें वह डच ने बनाईया या फ्रांस ने बनाईया या बरतानिया ने बनाईया या उस्मानिया ने बनाईया, कि किते भी यह तहरीक नसी चल रही कि तुसी चुके इत्थे दे रहण वाले नहीं, तुसी इत्थे दे वसाइल लैके जा रहे हो, थानू हक नहीं, तुसी साडे ते हुकूमत करो। धरती दे उत्ते धरती दे रहण वालियां नूं हुकूमत करन दा हक है, किसी खानदान वास्ते नहीं राज मंगिया जा रहा, किसी शख्स वास्ते नहीं, किसी शहजादे वास्ते नहीं, किसी महाराजे वास्ते नहीं, धरती दे रहण वालियां वास्ते। ये फखर है भगत सिंह दा, ये फिकर है भगत सिंह दी। भगत दी उम्र अजे कुछ वरे ही सी जद जलियांवाला बाग च बेगुनाह हिंदुस्तानियां दा कतलेआम होया। उत्थे अंग्रेज दियां गोलियां ने इंसानां दे जुस्से तां छालणी कीते ही उत्थे भगत जीआं कई रूहां भी जख्मी हो गईआं। ਇਹ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਿਆ। ਭਗਤ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖੂਬ ਪੁੰਗਰਦੀ ਏ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 14 ਵਰੇ ਸੀ ਜਦ ਉਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਗਾਂਧੀ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਲਨ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਭਗਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।
पंजाब दे विच बहुत सारिया तहरीकां पगड़ी संभाल जट्टा ते इस तो अलावा की नाम भगती की तहरीक भी चली सी, फिर कूकियां दी लहर ने और उस तो बाद अखंड कीर्तियां दी लहर ने, गुरद्वारा सुधार सभा लहर ने, सिंह सभा लहर ने, इन्हां लहरां ने अंग्रेज़ां नूं या गासबां नूं पंजाब दी धरती दे विच पूरा टफ टाइम दिता। खास तौर पर इन्हां विच जे बहुत सारियां तहरीकां विच जिहड़ा है तजर्बा हो चुकिया सी अजीत सिंह नूं, जिहड़े कि भगत सिंह दे चाचा जी सन, उन्हां नूं बड़ा तजर्बा हो चुकिया सी कि कित्थे की प्रॉब्लम्स हो रही ने, ते उहदी जिहड़ी रहनुमाई हेठ इस बच्चे का जिहड़ा है वह जवानी उन्होंने उसके असर हेठ कट्टी है और उन्हां दी सोबत विच वह सीखते रहे। इस करके भगत सिंह ने अपने जीवनी दे विच, हालांकि वह अपने जे जीवन होर भी कट सकता सी इस तरीके नाल कि वह अपनी अंदर खाते मूवमेंट चलांदा, लेकिन उहदे चाचे ने उन्हें इंस्पायर किया और उन्हें कहा कि ओपनली मूवमेंट जिहड़ी है जिहड़ी कि दूसरियां पंजाबियों नूं भी तुहाडे नाल लै के तुरन ते मजबूर करे, वह मेरे ख्याल है तहरीक कामयाब हो सकती है। और भगत सिंह ने इस चीज़ नूं ज़्यादा अहमियत दिती कि उन्हें अंदर खाते जंग लड़न की बजाए ओपन हो के जंग लड़ी और इस दे विच इह होया कि पंजाब नूं इस गल दा शऊर होया। और मेरा ख्याल है, मैं इहो ही गल करांगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की आज़ादी विच योगदान सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा है ज़्यादा असी बहुत सारिया मूवमेंट्स चलिया ने, लेकिन इस मूवमेंट नूं असी ज़्यादा फोकस करांगे क्योंकि इन्हें पंजाब नूं शऊरी ताकत दित्ती। हुण भगत भी उन्हां नौजवानां च उठन बैठन लग पिया जिहड़े आज़ादी नूं खो लैण की सोच रखते सन। सन 1923 च भगत सिंह ने नैशनल कॉलेज लाहौर च दाखला ले लिया। कॉलेज की लाइब्रेरी च भगत नूं रूसी लिटरेचर ते इनकलाब दीआं किताबां पढ़न दा मौका मिलिया जिन्हां उहदी सोच नूं खूब संवारिया। इस कॉलेज च भगत सिंह की सुखदेव ते यशपाल नाल मुलाकात हुई जिहड़ी वेला गुजरन दे नाल नाल गूढ़ी यारी च बदल गई। भगत सिंह ने बहुत छोटी उम्रे ही बहुत कुछ पढ़िया जानिया और उन्हें समझिया कि उदों तिकर जद तक तिकर अंग्रेज़ की इत्थे हुकूमत है, एक गैर मुल्की साढ़े ते मुसलत ने, उदों तिकर साड़ी धरती दे पुत्रां नूं सुख नहीं मिल सकता और असी आज़ाद नहीं जद तक होवांगे, उदों तिकर असी अपने फैसले नहीं कर सकते, अपने अगे नहीं वध सकते, तरक्की नहीं कर सकते। सो उन्हें एक अपना हम ख्याल जिहड़े दोस्त सन उन्हां दा ग्रुप बनाया जिहदे च बहुत सारे नाँ सन। जे इस वेले मैनू मैं नाँ इस वास्ते नहीं लै रही कि मेरे कोई रह ना जाए, बहरहाल वो तारीख दा हिस्सा है, कोई भी जिहड़ा देखे उहदे च मुसलमान भी सन, हिंदू भी सन और सिख भी सन उहदे नाल। ते कुल उम्र सी उस वेले 17-18 साल भगत सिंह दी, जिस वेले उहदे दिल च जज्बा जागिया है। 1928 च जदों साइमन कमीशन लाहौर आया ते हिंदुस्तानियां ने इहदे खिलाफ जुलूस कढ़िया, अंग्रेज सरकार ने जुलूस नूं मुंतशिर करन वास्ते लाठीचार्ज दा हुक्म दिता। इस तशद्द दे नतीजे च लाला लाजपत राय की मौत वाके हो गई। कुछ ही अरसे बाद भगत ते उन्हां दे साथियां असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सांडरस नूं गोली मार के कतल कर दिता। भगत ते उन्हां दे साथियां दा ख्याल सी कि हुण आज़ादी पुरअमन तरीके नाल हासिल नहीं कीती जा सकती, इहदे लई अंग्रेज़ां नूं अहसास दवाना पएगा कि हिंदुस्तानी अपनी आज़ादी लई किसी भी हद तीकर जा सकते ने। भगत ते उन्हां दे साथियां ने पंजाब असैंबली च बंब धमाके दा फैसला कीता। उन्हां दा मकसद किसी दी जान लेना नहीं सी, सो उन्हां असैंबली दे उस हिस्से नूं निशाना बनाया जिथे कोई जख्मी होया ते ना ही किसी दी जान गई। गिरफ्तारी तो बाद भगत ते उन्हां दे साथियां ने किसे इल्जाम तो भी इनकार नहीं कीता। कांग्रेस ते गांधी जी ने आज़ादी दे इन्हां मुजाहिदां दी हमायत तो साफ इनकार कर दिता। दूजे बन्ने मिस्टर जिनाह दा आखना सी कि भगत ते उहदे साथी आज़ादी दे मुजाहिद ने।
भगत की गिरफ्तारी तो बाद अंग्रेज सरकार ने जुल्म का हर चलन अपनाया पर आजादी के इन्होंने मुजाहिदों की फिक्र ते सोच नू बदल ना सके। अदालत ने उन्होंने फाए लाने का फैसला दिता। इस तो बाद एक कोशिशां शुरू हो गई कि भगत ते उहदे साथी अंग्रेज सरकार तो माफ़ी मंग लैन ते रहम किया जा सकता है पर भगत ते उहदे साथियों का मकसद ही आज़ादी के नारे लाउंदिआं फाए लगना सी जिन्हों वह तब्दील करन दा सोच भी नहीं सी सकदे। दूजे पासे अवामी रद्दे अमल इस हद तक वध गया। अखीर अंग्रेज ने 23 मार्च 1931 नू आजादी दे इन्हां परवानियां नू फाए ला दिता ते दरियाए सतलुज दे कंडे उन्हां दियां चितावां भी साड़ दित्तियां। एक तारीखी गल है कि जदों भगत सिंह नू फांसी की सजा सुनाई गई तो फांसी देने वास्ते जिहड़े जज की ड्यूटी लगी वो इजाजी मजिस्ट्रेट सी और उहदा नाम सी नवाब मुहम्मद अहमद खान जिहदी मौजूदगी भगत सिंह नूं फांसी हुई और फांसी दित्ती गई। और अमले मुकाफात समझो या इहनूं को होर ना दे लईए कि कुछ अरसे बाद अंदाजन 35-40 साल बाद ठीक उस जगह पर नवाब मुहम्मद अहमद खान नूं कतल करता गया जिथे भगत सिंह नूं फांसी दित्ती गई सी। तो सो एक सबक उस गल साडे वास्ते कि मुजाहिदां दियां कुरबानियां कदी रायगां नहीं जांदियां और मुजाहिदां दी कुरबानियां नूं अगर कोई गलत रंग दिंदा है या उहनां दी कदर नहीं करदा तो वह भी काबिले सज़ा ठहराए जांदे ने। अच्छा अज असीं जदों गल करने आज़ादी की या आज़ादी के मुजाहिदां की तो मैं समझदा कि सानूं इह जरूर सोचना पवेगा कि आज़ादी के मुजाहिदां के मरण तो बाद उन्हां दी याद उन्हां दा जिंदा रहना कौमां दी हयात हुंदी है और वह कौमां ही जिंदा रहिंदियां ने जिहड़े अपने मुसना ते अपने मुजाहिदां नूं याद रखदियां ने। इहदे च दो पहलू सामने आउंदे ने कि नवाब मुहम्मद अहमद खान दा किरदार कि उस फांसी दे वेले उस फांसी दी तौसीक कीती वह अज किसे नूं याद नहीं वह कतल हो गया उहदी जिस भी हसीयत नाल कतल होया लेकिन उहनूं कोई तारीख अच्छिया लफ्ज़ां नाल याद नहीं करदी। लेकिन भगत सिंह दा किरदार साडे सामने में कि वह चूंकि आज़ादी का एक मुजाहिद सी लिहाजा उहदी मौत अज भी साडे दिलां च जिंदा है और असीं उहनूं याद कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि जदों तक ये नस्लां जिंदा ने जदों तक असीं जिंदा वां या अगलियां नस्लां भी भगत सिंह नूं याद करदियां रहणगियां क्योंकि भगत सिंह दे बगैर पंजाब दी आज़ादी का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। भगत सिंह पंजाब का पुत्र सी ते लैलपुर उहदी पछाण सी। वह बरगे सगीर की आजादी लई लड़दिया शहीद होया। अज भगत सिंह की फांसी का दिन है अज 23 मार्च है अज के दिन उन्हें फांसी की सजा हुई सी। मैं समझना कि अज के दिन के हवाले नाल सानू ये याद रखना चाहिए कि असी अपने मोसना अपने अकाबरीन ते अपने मुजाहिदां की याद च कुछ ना कुछ करते रहिए। और इस मौके पर मैं समझना वा कि सानू ते साडी गवर्नमेंट नूं उहदे वास्ते कोई ना कोई सड़क मनसूब करनी चाहिए कोई वड्डा इदारा उहदे नाम तो मनसूब करना चाहिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ भगत सिंह दे नाम तो मनसूब कर दित्ती जानी चाहिए ताकि वह साड़ी नवीं नस्लों वास्ते निशान बन जाए। भगत सिंह आज़ादी का वह मुजाहिद सी जिन्हों गांधी ते नहरू ने कबूल नहीं किया जदों कि साडे कायद हज़रत कायद आज़म मुहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें ऊन किया और उस कुरबानियां की सराहना की। मैं गवर्नमेंट अगे इस गल की इल्तजा करांगा कि वह पाकिस्तान कोई ना कोई उहदी याद अच्छी जगह या उहदे पिंड नूं विच कोई ऐसी चीज़ उहदे नाम तों मासूम करन कि वह नवीं नस्ल वास्ते यादगार बन जाए। जिस वक्त तक भगत सिंह ने अपना जदोजहद की और शहादत पाई फांसी दित्ती गई गैर मुल्की हुक्मराना दे हत्थों उस वक्त तक ना किसी ने पाकिस्तान का नाम ना लिता सी ना सुनिया सी ठीक है। सो पाकिस्तान की दोस्ती या मुखालफत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और भगत सिंह के बारे में यह भी गल सारे ही जानते हैं बिल्कुल वाजे है कि वह मजहबी तासुब तो बाला वतन दोस्त इंसान से साढ़े नाल जी प्रॉब्लम हुई है इस मुल्क दे विच कि असी आज़ादी मिलने के बाद आज़ादी की तारीख को अपनी मर्जी के नाल मुरतब करना शुरू करता है तरतीब देने की कोशिश की। असं उस नाम कट गए बाहर सुटे है असं उस नाम वाड़े है
असी उस दाखिल भी किए हैं नाम असी उस नाम खारिज भी किए हैं ये असी अपने छोटे छोटे मकासद वास्ते असी खास तरह का जहन बनाने वास्ते करते रहे हैं। ये देखो तारीख न जे असी मसख करिए ना जे असी म्यूटीलेट करिए जे असी तरो करिए तो तारीख साढ़े ना तरो करती है। तारीख के हक होंगे है वो उन्होंने उन्होंने देने चाहिए है। लाहौर दे विच वो मकाम जिथे भगत सिंह नूं फांसी दिती गई सी उहदा नाम भगत सिंह दे नाल मनसूब करना किसी सिख नाल किसी इंडियन नाल या किसी पाकिस्तानी नाल मनसूब करना नहीं है, हुरियत दी और आज़ादी दी रवायत नाल मनसूब करना। वो हर उस पंजाबी दा हीरो है जिहड़ा अंग्रेज सरकार नूं गासिब ते काबिज़ समझदा है। भारत सरकार या भारत विच वसण वाले कांग्रेस या कोई भी जमात वो किस मूह नाल भगत सिंह का जन्म दिहाड़ा जां भगत सिंह का जड़ा है उन्होंने फांसी दिवस किस मूह नाल मनांदे ने। उन्होंने कभी भी देखो कि इतिहास दस रहा लौट दे उस तो बाद किताब लिखी है और उसने एक कहा सी कि जे सानू गांधी या नहरू इन्हां च कोई भी एक आके कह दे कि इस बच्चे की फांसी रोक दो तो असी रोक देनी सी। देखो कि इस चीज़ नूं उन्होंने ऑन ही नहीं किया है। गांधी और नहरू ने कभी भी पंजाबियों नूं ऑन नहीं किया या पंजाबी की किसी भी तहरीक नूं ऑन नहीं किया। जिस वेले 21 फरवरी 1921 दे विच ननकाणा साहब दे उत्ते अंग्रेज़ों का अटैक हुंदा है उस वेले तकरीबन 300 या 400 के करीब जिहड़े सिंह शहीद हुंदे अंदर उहदे विच भाई लक्ष्मण सिंह धारोवालिया नूं जिंदा जलाया जाता है उस नूं गांधी और नहरू ने भी ऑन नहीं किया है। उस तो बाद जिहड़ियां जिहड़ा है भगत सिंह की जिहड़ी लासानी शहादत सी उहनूं भी ऑन नहीं कर रहे सी। इस दे बाद इस तो जे असी इस नूं अग्गे लै के जाइए उस वेले कायदे आजम मुहम्मद अली जना बाबाए कौम ने इस नूं ऑन किया है और वह अंग्रेज़ सरकार नूं बाकायदा अखबारों के विच कटिंग मौजूद है। बहुत सारे सियासी लोगों ने इस दे उत्ते लिखा है कि कायदे आजम मुहम्मद अली ज़्यादा यह फरमान सी उस वेले कि भगत सिंह सियासी कैदी है और सियासी कैदियों नाल सियासी सलूक होना चाहिए ना कि इस तरह तुसी टैररिस्ट एक्टिविटीज़ वाला सलूक कर रहे हो। जबकि कांग्रेस ने जिन्हों उस वेले सिख लीडरशिप अपना सारा कुछ मान रही सी उन्होंने इसनों ऑन नहीं किया जबकि मुस्लिम लीग ने इसनों ऑन किया है। और ये बड़ी दुखदाई गल है कि अज कांग्रेस उन्हों मना रही है और पाकिस्तान दे विच उदा जन्म दिहाड़ा या उदा फांसी का दिहाड़ा नहीं मनाया जा रहा है। भगत सिंह का आलम सी कि इन्नी नौजवानी की उम्र 21 साल की उम्र सी और 21 साल की उम्र निहायत इतमीनान तसली और उहदे च उह है सी। उंदी जिहड़ी एक रात पहले दी गज़ल है शायरी करदा हुंदा सी उर्दू च भी पंजाबी च भी वह पढ़ो तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि यह बंदा कोठी लगा होया। सो उहदा जिहड़ा जज्बा आया सी धरती नूं आज़ाद कराउण दा असी तो वह देखना सी यह नहीं देखना कि वह किहड़े फिरके नाल किहड़े मसलक नाल किहड़े मज़हब नाल तालुक सी। धरती दा पुत्तर सी और अपनी धरती की आज़ादी लिए वो कर रहा सी कोशिश जिहड़ा कि सारियां दे वाजिब सी। भगत भला हुण साडे विच नहीं पर उहदी जुर्रत पंजाबियों का हौसला बन के हर जालम नूं ललकारदी रहेगी। पंजाब दीआं फिज़ावां च अज भी करतार सिंह सराबा दे ओ बोल रचे होए ने जिहड़े भगत हमेशा गुणगुणाउंदा सी। करतार आखिआ सी सेवा देश दी जिंदड़ी ए बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां चलियां ने।